हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोहि ए खादर। आज का व्लॉग इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग नहीं रहने वाला है। आज का व्लॉग थोड़ा सा सीरियस और हेल्पफुल रहने वाला है, सबके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो ये वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सीरियस टॉपिक है ये, और मतलब बहुत सारे लोग ये चीज़ से गुजर रहे हैं। सो आई रियली वॉन्ट कि इसको सबसे ज़्यादा शेयर करा गया, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा वीडियो को शेयर करो आप, क्योंकि शेयर करने से किसी की लाइफ बच सकती है। जिसको नीडेड है उसके पास अगर वीडियो पहुंच गई तो उसकी लाइफ बच सकती है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम को बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इंडिया में, ऑलमोस्ट मैं जहाँ तक सर्च कर रहा हूँ 10 में से एक इंसान को तो ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। इसका जो सोल्यूशन है, इसका जो रिलीफ है, वो एक ही है, वो है जिंदा मछली। आई नो इट इज़ वेरी क्रीपी एंड स्केरी। सो गाइस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली ऐसे ही होता है। हमें ज़िंदा मछली के मुंह में वो लोग कुछ मेडिसिन देते हैं, वो हमें ज़िंदा सॉलो करना होता है, और वही उसी से हमें अस्थमा का रिलीफ होता है। और सबके लिए, और ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये कहाँ होता है, बिग क्वेश्चन, ये कहाँ होता है? ये अभी मतलब दूसरी जगहों पर भी होता होगा, बट बिगेस्ट जो मेडिकल कैंप होता है अस्थमा के लिए, वो हैदराबाद में होता है। हैदराबाद में, स्पेशली हैदराबाद में एवरी ईयर 2 डेज लगता है 24 आवर्स के लिए। तो प्लीज़ डोंट मिस, हैदराबाद में होता है वो। उसका लोकेशन वगैरह सब मैं डाल दूँगा, और बहुत ही मतलब फेमस जगह पे होता है। हैदराबाद में एग्जीबिशन होती है, तो एग्जीबिशन ग्राउंड में होता है वो, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ होगा। और बहुत ज़्यादा पब्लिक आती है, और अभी से नहीं है ये, ऑलमोस्ट बहुत साल पहले से ये चीज़ चल रही है। बहुत सारे लोग आते हैं, अराउंड 2 लाख के ऊपर लोगों को कवर किया जाता है 2 डेज़ 3 डेज़ में। दैट इज़ अ गुड थिंग। सो इसलिए मैक्सिमम शेयर करो, अगर कोई हैदराबाद के बाहर है और कोई जिसको नहीं पता ये चीज़ के बारे में, बट ये प्रॉब्लम वो लोग फेस कर रहे हैं, तो उन तक ये वीडियो जाना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पर आप कैसा भी विज़िट करो, मैं पूरा ब्लॉग बनाया हूँ, आप ब्लॉग पूरा देखो। अब मैं ब्लॉग बनाने वहाँ पर गया था। पूरा वीडियो वॉच करो, पूरा ब्लॉग देखो, उसमें सारे डिटेल्स वगैरह सब मैं बताया हूँ। सो अगर आप जा रहे हो तो मेरा ब्लॉग एक बार देख के जाना, आपको आसानी होगी। एंड वंस अगेन, वीडियो को मैक्सिमम ज़्यादा शेयर करो। ये है मेन इंट्रेंस गेट, यहाँ से इंट्रेंस है। इंट्रेंस फ्री है, इंट्रेंस से कोई चार्जेस नहीं है, विथ ऑल सिक्योरिटी। यहाँ पर पुलिस वाले भी रहेंगे फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, और सारा कुछ जो भी अरेंज होगा पुलिस के अंडर होगा। और एक बात, यहाँ पर आपको कुछ एक सैंपल के तौर पे कुछ बॉक्स मिलेगा, एक डब्बी मिलेंगे, वो कुछ 5 रुपीज़ की कॉस्ट होगा उसका, वो आपको लेके जाना होगा अंदर जाने से पहले, ये आपको हर जगह दिख जाएगा। और एक बात, लोग बहुत ज़्यादा दूर से आते हैं, अलग अलग कंट्री से आते हैं, अलग अलग सिटी से आते हैं, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर स्टे का भी अवेलेबल है। यहाँ पर लोग स्टे कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। और एमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस वगैरह सारी चीज़ें भी अवेलेबल है। ये अस्थमा के पेशेंट है, और ये यहाँ पर बहुत साल से आ रहे हैं, हम इनसे पूछते हैं क्या रिव्यू है। तो बोलो, कितने टाइम से ले रहे हैं आप? 3 साल से। 3 साल से ले रहे? असर हुआ? असर हुआ, हुआ असर। एवरी ईयर आते? अभी खाने के बाद। तो ये लास्ट ईयर है आपका? नहीं, अभी आते हैं, अभी और टाइम आना है। हाँ, आना है। तो पहले 3 साल पहले से अभी तक असर हुआ, कम हो गया? अब कम हुआ था। अब कम हुआ? 3 साल से कम हुआ। कम हो गया आप? इतना ही नहीं, आपको गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ड्रिंकिंग वाटर भी मिलेगा, फ्री, वो भी उसके भी कोई चार्जेस नहीं है। आपको पब्लिक वॉशरूम्स मिलेंगे, और ये रहेगा क्यू लाइन, यहाँ से एंट्रेंस है, लाइन की जो शुरुआत है यहाँ से स्टार्ट होगा। फ्री हेल्थी ड्रिंक्स अवेलेबल है गवर्नमेंट की तरफ से, और फ्री हेल्थ कैंप भी अवेलेबल है फॉर बेसिक हेल्थ चेकअप्स। और इस तरीके से लाइन के क्यू के लिए अरेंजमेंट होता है, जहाँ पर आपको फ़िश के लिए दिया जाएगा। अभी स्टार्ट नहीं हुआ, आफ्टर 6 ये स्टार्ट होगा, एंड सारे पुलिस वाले होंगे फॉर द सिक्योरिटी। और आपको उसके बाद भी आपको जो है वहाँ से ही आपको पेपर दिया जाएगा फॉर द ऑल द डाइट, क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करना है उसके बाद, क्या क्या चीज़ों का आपको परहेज करना है, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं खाना है, क्या चीज़ें आपको खाना है, वो भी सारी चीज़ों में डिटेल्स रहेगा।
सो दैट्स इट गाइस, आई होप आप सबको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होंगी, और वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। और मैं भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ क्योंकि मैं वीडियो सुबह में शूट कर रहा था और मुझे आया तक रात हो गई है, बट मुझे वीडियो अभी का भी अपलोड करना है क्योंकि अभी दो दिन बचे हैं, आज की रात और कल का दिन भी बचा है, तो इसके लिए 24 आवर्स ओपन है। अगर कोई भी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, ज़्यादा सोचो मत, टाइम वेस्ट मत करो, गो इमीडिएटली एंड टेक द मेडिसिन। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि मेरी वीडियो से अगर किसी एक को भी फ़ायदा होता है तो मेरे लिए मेरी मेहनत कम्प्लीट हो जाएगी इसीलिए। और मैं ऐसे और वीडियोस लेके आता रहूँगा आपके लिए हेल्पफुल और सोशल को लेके। सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। टिल देन टेक केयर, थिंक पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड।